अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। विंटर सीज़न शुरू हो गया है और विंटर में कुछ गरम गरम पीने का मन करता है, जिससे चाय हो, कॉफ़ी हो या फिर गरम गरम सूप। तो आज मैं भी विंटर स्पेशल सूप बना रही हूँ। बहुत ही आसान, घर में अवेलेबल चीज़ों से बनने वाला सूप, चिकन क्लियर सूप। तो यहाँ मैं चिकन बॉईल कर रही हूँ। ये आधा किलो चिकन है, पर हमें सूप के लिए इतनी चिकन नहीं लगेंगी, बस हाफ़ कप बॉइल्ड चिकन लगेंगी। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा नमक डाल के बॉईल किया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसको श्रेड करेंगे। और ये जो चिकन का पानी है, चिकन स्टॉक, ये हम सूप में इस्तेमाल करेंगे। अब 1 बंच गार्लिक पील करेंगे और 2 ग्रीन चिलीज़ लेंगे। ये तीखी वाली ग्रीन चिली है। दोनों को चॉपर में एक साथ चॉप करेंगे, अच्छा बारीक चॉप करेंगे। अब इसको डेगचे में निकाल लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे, जब तक कि उसकी अच्छी खुशबू ना आ जाए। ये देखिए, गार्लिक अच्छा फ्राई हो गया है। इसको लाल नहीं करना है हमें। अब इसमें जो हमने चिकन स्टॉक रखा हुआ था, जिसमें चिकन बॉईल किए थे, वो पानी ऐड करेंगे और इसके साथ 3 to 4 कप्स नॉर्मल पानी भी ऐड करेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट अच्छा पकने देंगे। साथ ही इसमें 1 चिकन क्यूब या तो वेजिटेबल क्यूब डालेंगे। जब तक हमारा सूप पक रहा है, हम चिकन श्रेड करके रख लेते हैं। सूप को 15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप चिकन ऐड की है। चिकन को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पकी हुई है, बॉइल्ड चिकन है। अब इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। अब मैंने ये 1/2 बंच धनिया का कट करके रखा हुआ है, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। और दूसरी तरफ छोटे बोल में थोड़ा पानी लिया है। इसमें मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छे से। अभी हम हमारा सूप चेक करेंगे, ये पक गया है अच्छे से। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा थिक बनाना है सूप को, बट ये मेरा थिक नहीं हुआ था, तो मैंने इसमें और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। इसको 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और फिर लास्ट में धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद बस 20 सेकेंड पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। धनिया सर्व करने के टाइम ही ऐड करना है, क्योंकि पहले से डाल के रखेंगे तो वो काली हो जाएंगी। आप सूप रेडी करके रख सकते हैं और आपको जब भी सर्व करना हो, बस धनिया डाल के 20 से 30 सेकंड पकाएंगे और सर्व करेंगे। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल क्लियर सूप रेडी है। इसके साथ आप सैंडविच बना के खा सकते हैं। सैंडविच और सूप कंप्लीट मील हो जाएगा। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।